उन्हें क्या कहो कि क्या है, क्या क्या चला गया, इसका क्या जाता है। तो सही मता है कि जिन्होंने किया नहीं है प्रेम मत भारती से, उन्हें क्या कहो कि क्या रहा, क्या रहा, क्या चला गया। जिनके इशारों पे ही पूछे कि तुमने किया है, उन्हें क्या कहो कि वो इशारा क्या चला गया, और मान नहीं होते हमारा क्या चला गया। अरे बाप का सहारा हिंदुस्तान की बर्बादी तक जंग नहीं की जानी। जब दिल्ली से नारे लगाए जाते हो कि अफसर हम शर्मिंदा है तेरे खाते जिंदा, मैं चार मुर्गियां पढ़ता हूँ और बात नहीं सही हो तो आप सबके आशीर्वाद मिले कि शहादत का यहाँ से फिर वही फरमान निकलेगा। जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान कहाँ है, मैं एक बार देता हूँ राशि दीजिएगा कि शहादत का यहाँ से फिर वही फरमान निकलेगा, यहाँ बैठे हुए हर दिल के लिए अरमान निकलेगा। और कन्हैया कन्हैया गौर से देखो, ये भारत माँ के बेटे हैं, ये सीना चीन भी देंगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। क्या बात है, ये सीना चीन भी देंगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। मैं चार मिनट रखता हूँ कि शास्त्र सशस्त्र हो तो देश को सशक्त करे, रैलियों का हम तो बवाल नहीं चाहिए। हमारे आदरणीय भैया बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा और दशा कैसी होनी चाहिए कभी अगर निकाल दिया। शास्त्र सशस्त्र हो जो देश को सशक्त करे, रैलियों का हम को बवाल नहीं चाहिए, राजनीति को बदारू को बनाने को तुले है, ऐसी मार के टिकाऊ छाल नहीं चाहिए। तो भारतीय एकता अखंडता पे भी लगे दो, देश के विरुद्ध वो सवाल नहीं चाहिए। अन्य नेता हो तो एक और वो भी हो सुभाष जैसा, हमें राजनीति में दलाल नहीं चाहिए, हमें राजनीति देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार मानता है। लेकिन आज शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस देश की सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो समस्या केवल अपने कितना पढ़ाया है। हमारे देश की प्रतिभाएं विदेश में जा करके बड़े बड़े पैकेजों पे, उनके विद्यार्थियों का कर्तव्य बहुत अच्छा है। सबने वो भी आपके 2019 में देखी होंगी कि आंसू से भी विद्यार्थियों का कर्तव्य बहुत अच्छा है। पूज्य तिरंगा पहरा जिससे कि विमान सब टूटा है, इस विजय काल के दर्शन में दिनकर का रथ भी रुका। आज भारत की प्रतिभा के आगे है जो समूचा झुका, आज अनुमाना की हम विदा मगर गिर गिर कर संभल चुका है। ये विजय प्रमाणित करती है कि भारत बदल चुका है। बहुत धन्यवाद।